गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नई छोटी सी न्यू वीडियो में। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है, आज का एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जो आपको दिखाते हैं। आज की है छोटी सी वीडियो, एक अनबॉक्सिंग वीडियो, इसको हम रिव्यू करेंगे अपना पावर बैंक का। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है, कोई कहीं हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, ठीक है। तो आज हम रूम पे ही एम्बरेंस जो पावर बैंक मैंने मंगा रखा उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो है, जो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं एम्बरेंस पावर बैंक का अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। एक छोटा सा ये बॉक्स आ रखा है, इसमें ये पैकेट है, ये इसके अंदर है, ये तो इसके अंदर आ रखा है। ये थोड़ा सा ये है इसका पावर बैंक, जो इसमें लिखा है एम्बरेंस। ये है इसका पॉलीमर पावर बैंक, है मेड इन इंडिया का बना हुआ ये। और इसके पीछे कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो भी है ये। तो और इसमें क्या क्या देखते हैं, और इसमें हमको दे रखा है एक इसका बिल है, ये जो मुझे पड़ रखा है आपका 1100 रुपये का। ये देख सकते हैं आप, 1100 का बिल है ये इसका। चलो ये सेट करते हैं, इसको पहले ये देखते हैं। सबसे पहले इसको खोलते हैं। चलो कहाँ से खुलेगा, कहाँ से खुलेगा, कहाँ से खुलेगा। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। ये 2.4A USB चार्जिंग आउटपुट है, और एक फर्दर टच बटन, इसमें टच बटन भी दिया गया है। टाइप सी माइक्रो USB इनपुट है, और इस साइड दे रखा है USB आउटपुट ड्यूअल में है, और ये डबल पॉलीमर बैटरी है इसमें। चलो चलो खोलते हैं इसको। ये सबसे पहले इसका आ जाता है ये कार्ड, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा है। सबसे पहले इसका दिया गया कार्ड, तो सबसे पहले लिखा आता है एम्बरेंस मेड इन इंडिया यूजर मैनुअल। तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसके बारे में, पावर बैंक के बारे में क्या क्या है, ये हर चीज़ में देते हैं यार ये लोग, पता नहीं क्या क्या है। तो इसको लगते हैं साइड, और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। और ये आ गया एक, ये है अपना पावर बैंक। ये टच स्क्रीन है यार, ये देखो टच है ये। टच स्क्रीन है यार ये, इसको एक बार टच करो तो लाइट जल जाती है। इसमें अभी तीन पॉइंट है, मतलब चार्ज है अभी, और दो बार टच करो तो बंद हो जा रहा है ये, देख रहे। एक बार टच करो तो ओपन हो रहा है, दो बार टच करो तो बंद हो रहा है ये। इतना छोटा सा बताओ, इतना छोटा सा है ये, 1100 का ये, इतना छोटा सा है पावर बैंक। काफ़ी स्मूथ है यार, हाथ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है, देख रहे हो। मतलब कि इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, इसको हम अपने हाथ में भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो बहुत छोटा है, बहुत आसानी से हाथ में भी आ रहा है, देख रहे। तो चलो इसको भी रखते हैं साइड, और इसके अंदर क्या है और देखते हैं। ये स्मार्ट का एक टाइप सी चार्जर, एक टाइप सी का डाटा केबल दे रखा है इन लोगों ने, जो टाइप सी केबल है। खाली डाटा केबल देते हैं लोग, ऑडप्टर कौन देगा भाई। ऑडप्टर भी तो देना चाहिए ना इन लोगों को, ऑडप्टर नहीं देते लोग यार, खाली ये दे देंगे बस कर लो चार्ज। बिना ऑडप्टर के हम इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं भाई। अब एक ही ऑडप्टर में मुझे फ़ोन भी चार्ज करना पड़ेगा, ये भी चार्ज करना पड़ेगा, अपना हेडफोन भी चार्ज करना पड़ेगा। एक ही ऑडप्टर, तीन टाइप्स के हो गए अभी। एक ही हो गया, एक फ़ोन का हो गया, और एक एयरफोन का हो गया। चलो ये भी रखते हैं साइड में। तो ये दो साइड में दे रखे हैं इन्होंने, मतलब एक बार में हम दो फ़ोन चार्ज कर सकते हैं इसे। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो यार, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो छोटा छोटा सा। हम एक यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक दूसरा वाला यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब एक टाइम में दो फ़ोन हम चार्ज कर सकते हैं इसे आराम से।
चार्ज, ये यहाँ से चार्ज होगा। इसमें इसमें टाइप सी लग जाएगा, ये वाला एक तो इसमें ये वाला लग जाएगा, दूसरा इसमें सैमसंग वाला जो छोटा है, छोटा वाला वो वाला भी लग सकता है इसमें। तो चलो हमें तो अपना फ़ोन चार्ज करना है, बाकी इससे फ़ोन चार्ज हो जाएगा, इससे मेरा एयरफोन चार्ज हो जाएगा दोनों से। कभी कभी दो फ़ोन भी एक साथ चार्ज हो सकते हैं, बाकी अपना। तो इतना छोटा सा ये मुझे पड़ा है 10,000 mAh का, 1100 रुपये का पड़ा है मुझे ये। तो देखते हैं आप, हमें कहीं वीडियो शूट करने जाना होगा या ब्लॉगिंग शूट करने जाना होगा तो हमें ये तो नहीं लगेगा हमारा फ़ोन ऑफ होने वाला है, कोई शूट ना रह जाए हमारा, कोई बढ़िया वीडियो ना रह जाए ना, कोई बढ़िया जगह मिलती है जहाँ पर अभी फ़ोन बंद हो जाता है। तो अब ठीक हो गया ये, इससे हम अपना फ़ोन आसानी से चार्ज कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं हाथ में डाल के। तो सो गाइस, आज की वीडियो यही थी, मैंने मंगा रखा छोटा सा 10,000 mAh का पावर बैंक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।